अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ईद मुबारक आप सबको। और हमने चांद रात के व्लॉग में अपनी मेहंदियाँ ऐड नहीं की। मेरी मेहंदी है जो कि अनजा ने मुझे बहुत मना किया था कि ये डिज़ाइन मत लगवाओ, और आई डोंट नो उसको अच्छी लगी है नहीं। अब तो मैंने लगवा ली है, अब उससे पूछते हैं अनजा तुम्हें कैसी लगी। देखो अब कुछ नहीं हो सकता, बता दो सही है। मतलब वाह, मुझे मतलब सही है। अभी देखूँगी, वॉश वगैरह करूँगी तो देखूँगी कैसी लगती है। तो मैं अपनी नेल पेंट चेंज कर रही थी, आप लोग मेरी ड्रेस का कलर गैस कर लो नेल पेंट से कौन सा है। और वैसे हम हमेशा सुबह में ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज हमने रात में ही स्टार्ट कर लिया है। खाना भी नहीं खाया है और बस आइसक्रीम भी नहीं खाई। आइसक्रीम यार, पहले आइसक्रीम खाते हैं फिर खाना। तो मतलब खाना वगैरह खाते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, देन अब तो कोई रोज़ा सहरी नहीं होगी तो फिर सोते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे। सारंग भाई आए हैं अभी ईद के लिए। हेलो एवरीवन, ईद मुबारक। और अभी हो गई है सुबह, मैं फ्रेश वगैरह होकर आ गई हूँ। और ये रहा मेरी मेहंदी का कलर, मैंने न्यू ड्रेस पहनी है। मतलब न्यू ड्रेस जैसे ईद के सुबह को पहनते हैं, जब तक अब रेडी हूँ तब तक। और मैं देखी कैसी लग रही हूँ, अनजा देखी कैसी लग रही है। मैं सेट कर रही थी ना घर में, घर को अभी मैं जाऊँगी। हाँ मेहंदी दिखा दो अपनी, मेरी अनजा की मेहंदी, ये रही मेरी मेहंदी। मुझे लग रहा है मुझे इस फिंगर पे लगा लेनी चाहिए। मैं उसे उसी टाइम कह रही थी, बट उसने बोला कि मेहंदी वाली ने कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से फिर मैंने नहीं लगाया। तो बस अभी देखते हैं, बाकी अभी मैं फ्रेश वगैरह होकर खड़ी हो गई हूँ। और मेरा मतलब ऐसा होता है कि ईद के दिन ना स्किन को पता लग जाता है आज ईद है। जब हम फ्रेश होकर आते हैं ना बहुत चमकती है, जब मेकअप करते हैं इतनी डल हो जाती है। अब अल्लाह करे कि डल ना हो। मैंने अभी ईद की ड्रेस प्रेस ही नहीं की, रात हमें इतनी लेट हो गई थी, इतनी नींद आ रही थी। तो बस अभी मैं अपनी ड्रेस प्रेस करूँगी। मैं सोई थी रात के 4 बजे। तुम? 4 बजे मैं सोई थी। तो फिर मैं भी अंदर जाकर सोई गई थी। नहीं, तुम यहाँ बैठ कर ऑयल लगा रही थी ना। हाँ तो मैं ऑयल लगा कर सो गई थी। तुम कब उठी? तुम कब उठी? जब फिर जा रहा था तब। झूठी, सच में नहीं पूछो। मैं उसी टाइम उठ गई थी, बैठी थी। मुझे तो इतनी नींद, मैं तो खिजर आ गया फिर उठी हूँ। नहीं मैं पहले उठी। तुम झूठ बोल रही हो, वो तुम्हारे मुंह से ही लग रहा है ईद के दिन तुम झूठ बोल रही हो। अरे भाई इससे तैयारी उसी रूम में हो रहा था, उस रूम में हो रहा था, मैं और मुझे पता ही नहीं लगा। हाँ तो मैं तो बिल्कुल सो रही थी, वरना मैं भी उठती हूँ वैसे हर साल, लेकिन इस साल फिर मुझे पता नहीं लगा मैं सो ही रही थी। वो खिजर आया, फिर मैं मतलब खिजर आया, सारंग भाई वाले आए, उनसे मिले हम लोग, देन उसके बाद फिर मैं फ्रेश होकर आई। थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड की थी। हाँ तो फिर मैं फ्रेश वगैरह होकर आई थी। तो बस अभी तो बज रहे हैं सुबह के 9:30। हाँ अभी 9:30 हो रहे हैं, और बस मैं कपड़े ईद के प्रेस करूँगी अपने, देन मुझे लगेगा कि हाँ भाई तुम्हारा आधा से ज़्यादा काम हो गया है। नेल पेंट मैंने लगा ली है। नहीं नहीं पागल हो क्या, क्या कर रही हो? सीरम सीरम लगा हुआ है मेरे मुँह पे। तो मैंने नेल पेंट लगा ली है, मैंने अपने हेड वॉश कर लिया है, बहुत मुश्किल काम। बस मैंने ड्रेस प्रेस करनी है और अपने बाल ब्लो ड्राई करने हैं। जल्दी से ब्लो ड्राई कर लो फिर मुझे भी क्या? थोड़ा नहीं तो फिर मेरे बाल तो वो करने धोने होने दो ना, थोड़े से सूखने दो ना, क्या ऐसे गीले बिल्कुल टपकते हुए बालों में थोड़े ना करूँगी। नहीं भाई मैं, मुझे पता है ना मेरे बाल कैसे ब्लो ड्राई होते हैं, तुम क्यों बता रही हो मेरे ईद के दिन बाल ख़राब कर पाओगी? मुझे नहीं बहस करनी। गुड, तो बस अभी मैं अपने ड्रेस वगैरह जाकर प्रेस करती हूँ फिर रेडी होते हैं। अभी ऑलमोस्ट 11 होने वाले हैं और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, बस नगेट्स वगैरह कबाब थोड़े खाएंगे, देन बिरयानी बनेगी। शुक्र आ गई। हाँ देन बिरयानी बनेगी। मैंने अपनी ईद का ड्रेस प्रेस कर लिया। मेरा अभी रहता है क्योंकि लास्ट में भी काफ़ी टाइम हो गया था, 3 बज गए थे वहाँ से आते आते, फिर हम सोए वगैरह, डिनर भी हमने नहीं किया था। तो उसके बाद जो है ना बिल्कुल हिम्मत जवाब दे चुकी थी, तो इस वजह से अभी हम करें। मैं एल्सा ने तो कर लिया, बाकी मेरा रहता है अभी मैं करूँगी ड्रेस प्राइस। प्राइस बिल्कुल केफ ये करूँगी है। ये हमने फ्रोजन प्राइस लेकर आए हैं हम लोग। अभी मैं तो आधी रेडी हो रही थी तो हमने देखा कौन रेडी होकर आया है। शीजल, ईद मुबारक, ईद मुबारक।
इतनी प्योर से खुद से पहने, मेहंदी लगाई है पैरों पर, हाथों पर, इशाद पे दिखाएगी अभी अपनी मेहंदी, नेल पॉलिश लगाई है और छोटी सी पर्स पकड़ी है। चलो पकड़ो, इतनी प्यारी लग रही है, कितनी माशाल्लाह 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 प्यारी लग रही है। शीजल मरियम वाले भी आए हैं। ओ हाँ, हमारे दोस्त मरियम वाले भी आए हैं। मरियम अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। मरियम वाले हमसे मिलने आए हैं। हाँ हाँ, शिफा गुड़िया और निसा भी आई हैं। हाँ, उनको शर्म आ रही है तो बस आज मरियम को दिखाते हैं। मरियम कैसी हैं आप? ईद मुबारक बोले ना आप भी। ईद मुबारक। माशाल्लाह कितनी प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड्डा, ये गुड्डा हमारा गुड्डा। ये देखो बाजी, अब ये लेगी ईदी। शाम को फोन करेगी ये ईदी पीली बीबी। चलो चलो अंजा। मामा के ताया के चाचा के साथ अभी शीजल को मिलेगी ईदी, क्योंकि इसका पर्स है खाली। तो अभी अंजा लेकर आई है शीजल के लिए ईदी। हमारी खाला हमें देती थी ऐसे एक एक करके नोट ईदी का। 1 2 अभी मम्मा शीजल की पर्स सेट करेगी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। किसी को इतना प्यार नहीं करती। मामू को बोलो ईदी। मामू ईदी। मामू भी फुल सेट तैयार है। मामू शीजल की ईदी। हाँ, सबको साथ में मिलेगी ईदी मामू की तरफ से। अभी मामा शीजल को पर्स पहनाएगी। मैं अपने दोनों ये बाल साइड ब्लू ट्री करके आऊँ ना, रेडी होके मैं 2 मिनट में आई मैं। ये इस पर प्यार आ रहा है ना, कितना क्यूटा लग रहा है। क्यूटी चिंची दे मथे दे मथे दुराव पर आएस अंदर। ना 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 ना, ये नहीं है। गोर गोर ना चुने जोर। हाँ ये मम्मा क्या कर रही है? आपकी पर्स चेक कर रही है? आपकी पर्स में से पैसे निकाल रही है? शीजल उखली आपकी पर्स ले रही है। मम्मा को बोलो, मम्मा को बोलो शीजल पर्स वापस करे। मम्मा पर्स दियो होना उन्नत में उस दूसरे वाले में। इसमें गोल्डन गोल्डन एंडी प्यारी प्यारी चूनिया या पहनी है इसने। मम्मा की मेहनत पानी में। मम्मा उसे भूख लगी है, उसे बिरयानी खानी है। ये देखो ये हालत हो रही है। फिजा
तुम्हारी बेटी ये क्या कर रही है? फिजा मेरी ब्लॉग देखती है ना रोज, इस वजह से कह रही हूँ। मम्मा क्या हो गया? एल्सा के ब्लो ड्राई हो गए फाइनली। चीजों यहाँ से वहां पहुंच गई। मम्मा ने शीजा की पर्स तोड़ दी। ये मम्मा ने शीजल की पर्स तोड़ दी। मम्मा तोड़ दी। सजदा मम्मा को डिफेंड कर रही है। शीजल इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया शीजल? चरियो समझो तई, मथो फेरियो तई, दिमाग खराब आ छा समझो। दिखाओ मैं हो गई हूँ रेडी और दिस इज माई ड्रेस, आप सब देख सकते हैं। आई एम वेयरिंग ज़ारा शाहजहान आज, और अंजा भी रेडी होके मैं अपना ड्रेस खुद दिखाएगी। बाकी आज मैंने ये मेकअप किया है मैट सा और ग्लॉस लगाया है ऑफ कोर्स। अभी मैं अंजा का वेट कर रही हूँ, अंजा तैयार हो जाए तो फिर हम खाला के घर जाएंगे। पहले अपने ट्रांजिशन बनाएंगे फिर चलेंगे वहाँ। नहीं मैं तुम्हारे वेट में बैठी हूँ। यहाँ पर एल्सा और सजदा का फोटो शूट, एक सेकंड, फोटो शूट चल रहा है सजदा का। ये रही शीजल जो तैयार होकर खराब भी हो गई, और इतनी गर्मी हो रही है यहाँ, यकीन करें मुझे। अब सबसे ज्यादा मेरा दिल कह रहा है एल्सा एक दो मेरी पिक्चर्स निकालो तो मैं घर चली जाऊँ, बहुत ज्यादा। पर सजदा ये वाला अलो नहीं करेगी, कभी भी नहीं, कभी नहीं। अगर गर्मी शीजो इसने आराम फरमाया है मर्दों के जैसे, जैसे पूरा दिन सोते हैं ना वो। ये रही सजदा और उसकी ना ख़त्म होने वाली पिक्चर्स, चलो देखते हैं अब क्या होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। अभी हम सब लोग बैठे हैं, मैं तो कपड़े मैंने चेंज नहीं करे, लेकिन अंजा ने बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी भाई मुझे तो। शीजल ने चेंज करके फिर से ईद वाले पहन लिए क्योंकि ये अपने ननिहाल जा रही है। सजदा यहाँ टिकटॉक बना रही है। सजदा फ़ोन चाहिए थी, एक मिनट अभी हो रहे 7:30। अंधा ने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, मैंने कहा नहीं मैं अपने जो ड्रेस है ना वो पूरा कहते हैं ना सकारता करूँगी, पूरा प्रॉपर पैसे वसूल करूँगी। हाँ तो इस वजह से मैं पहन के बैठी हूँ, लेकिन अब मैं भी सोच रही हूँ चेंज कर लूँ। अभी अंधा से मैं पिक्चर्स वगैरह लूँगी, हर चीज़ लूँगी, देन उसको मैं एडिट करके इंस्टाग्राम पर लगाऊँगी अपनी रील को। यह रहा खिजर, आपके आपको पूरे व्लॉग में खिजर नज़र नहीं आया होगा। आज के दिन जो है ना मुझे निकला है फीवर इतना बुरी तरीके से, सुबह में भी हालत ख़राब थी। अभी मैं भी खिजर अपनी वीडियो दिखा रहा था, उसके बीच में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। मैं देख रही थी कि वह मज़े देती है अच्छी एडिटिंग, जल्दी खिजर अपलोड भी करेगा। यहाँ पर जो है ये कैपकट में ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे कि व्लॉग ईद वाला जल्दी से ही लगा कर कट में लगा कर जैसे एडिट कर लें। बीच में से अलार्म बजाना, इस वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई। और एल्सा जो है बाहर बैठी है क्योंकि उसकी फ्रेंड आई हुई है, मैं भी वहाँ बैठी थी, फिर मैं यहाँ अंदर आ गई क्योंकि एडिट करनी है और किसी को भी दिखा रहा था। तो अभी एडिट करते हैं, किसी की वीडियो देखते हैं, और जब तक एडिट हुई प्रोसेस में चल रही है अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो वो भी आपको दिखाते, वरना ओके अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड ईद मुबारक वंस अगैन।